हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी मैंने आपको क्लास वन में ऐसे साइंस पढ़ाई थी जिसमें मेरा लेसन आज का 14 था। अब इसका कुछ वर्क है, बुक वर्क जो मैं करवा रही हूँ, उसको आप ध्यान से देखेंगे। बच्चों, अभी आपको मैंने सन, मून, स्टार्स, डे एंड नाइट, चेंज ऑफ शेप ऑफ मून के बारे में पढ़ाई थी, तो आप इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको करवा रही हूँ। टिक द करेक्ट आंसर। द सन लुक लाइक ए बिग। अभी आपने पढ़ा था कि सन का जो है वो कैसा है, बिग येल्लो के जैसा है, है ना, बॉल, येल्लो बॉल इन द स्काई। द सन लुक्स लाइक ए बिग येल्लो बॉल इन द स्काई। उसके बाद द सन गिव अस लाइट एंड हीट। व्हेन द मून इज कंप्लीट सर्कल इन द स्काई वी कॉल इट डैश मून। उसको हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज द सन इम्पोर्टेंट टू अस। हाँ, सन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज, क्योंकि सन गिव अस हीट एंड लाइट। क्योंकि सन हमें हीट और लाइट देती है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, इज द मून विजिबल ऑल ऑन ऑल नाइट। आप इसका आंसर लिखिए, द मून इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग पार्ट ऑफ ईच नाइट। द मून इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग पार्ट ऑफ ईच नाइट। सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू ए स्टार लुक स्मॉल। स्टार हमें छोटा क्यों दिखाई देता है। बिकॉज स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि स्टार जो है हमारे धरती से बहुत ही दूर है। सो लुक लाइक ए स्मॉल, इसलिए वह छोटा दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय।